बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट नॉलेज। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों के साथ एजुकेशनल अपडेट और जॉब अपडेट शेयर करता रहता हूं, तो एक लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जिसमें फेडरल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के अंदर जो जॉब्स आई हैं, तो इसमें एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की जॉब है ESTE PBS 14 के लिए। तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए जॉब्स हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए अलहदा पोस्टें हैं और मेल के लिए अलहदा पोस्टें हैं। तो ये आप अपनी स्क्रीन पे एड इसका देख सकते हैं। एड की तमाम तर डिटेल आपको मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा, तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। तो ये आप देख सकते हैं 253 टोटल पोस्टें हैं ESTE एलिमेंट्री स्कूल टीचर की। ये पोस्ट हैं जिसका बेसिक पे स्केल होगा 14, तो फीमेल की 188 पोस्टें और इसके अलावा मेल की 65 पोस्टें हैं। तो ये फेडरल के अंदर आई हुई हैं, तो पूरे पाकिस्तान से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं, आपके पास 4 ईयर बैचलर डिग्री होनी ज़रूरी है, इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो सब्जेक्ट रिक्वायर्ड हैं ये आप देख सकते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और मैथ और इंग्लिश है। इसके अलावा जो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने इंग्लिश जो मैथ या कंप्यूटर साइंस ही किया हो, क्योंकि जो रेलिवेंट सब्जेक्ट होते हैं वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें, तो 30 साल से अबाव लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, 30 साल से उम्र आपकी कम होनी चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इसमें टोटल जो पोस्टें हैं यहाँ पे डिटेल दी गई है, मेरिट की 14 पोस्टें हैं, इसके अलावा ICT 94 पोस्टें हैं इंक्लूडिंग 5 फॉर मिनोरिटीज़। तो पंजाब के लिए 43 पोस्टें हैं इंक्लूडिंग 2 ऑफ मिनोरिटीज़। तो यहाँ पे मज़ीद डिटेल दी गई है, सिंध अर्बन के लिए 7 पोस्टें, इसके अलावा सिंध रूरल के लिए 9 पोस्टें हैं, और इस तरह ये आप देख सकते हैं इंक्लूडिंग 1 फॉर मिनोरिटीज़। तो KPK के लिए 10 पोस्टें हैं टोटल, 1 मिनोरिटीज़ की है जिसमें, और बलूचिस्तान के लिए 5 पोस्टें हैं, इसके अलावा EX फोटा के लिए 3 पोस्टें हैं, और गिलगित बलूचिस्तान के लिए 1 पोस्ट है, और AJK के लिए 2 पोस्टें हैं। यहाँ तक ये बात होगी फीमेल की। तो अब मेल की हम बात करें, तो मेल की 65 टोटल पोस्टें हैं, जिसमें मेरठ की 5 पोस्टें हैं, ICT की 33 पोस्टें हैं, तो इन जिसमें 2 मिनोरिटीज़ की हैं और 1 जो है डिसेबल पर्सन के लिए कोटा है। पंजाब के लिए 15 पोस्टें हैं, जिसमें 1 जो है मिनोरिटी के लिए है। सिंध अर्बन के लिए जो है 2 पोस्टें हैं, और सिंध रूरल के लिए 3 पोस्टें हैं। KPK के लिए 3 पोजीशन है, इसके अलावा बलूचिस्तान के लिए 2 पोजीशन है मेल की, और EX फोटा के लिए 1 पोस्ट है, और AJK के लिए 1 पोस्ट है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने इसमें अप्लाई किस तरह करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको ये वेबसाइट नीचे दिखाई दे रही होगी, इसको आपने विजिट करना है। इसके बाद यहाँ से आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी, ऑनलाइन अपने जो है फॉर्म सबमिट करना है। तो 800 रुपये इसकी फ़ीस है, जो कि आप अबीब बैंक से इसमें जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 800 रुपये आपको फ़ी जो है सबमिट करनी होगी। तो आप घर बैठे भी इसके लिए फ़ी सबमिट कर सकते हैं। अगर आप बैंक नहीं जा रहे तो बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे भी इसमें जो है इजी पैसा जेज कैश और इसके ज़रिए ये इजी पैसा और जेज कैश के ज़रिए आप फ़ी जो है सबमिट कर सकते हैं। तो आपकी जो डिपॉजिट स्लिप होगी उसको आपने सेंड करना होगा। सेंड करने के लिए ये नीचे पता दिया गया है, HEC सेक्टर H8 इस्लामाबाद, इस पर आपको सेंड करना होगा, ठीक है। और इसकी जो डिपॉजिट स्लिप होगी, इसकी बैक साइड पे आपको जो है अपना आईडी कार्ड नंबर भी एंटर करना होगा। तो अपना आईडी कार्ड नंबर डिपॉजिट स्लिप की जो बैक साइड है उस पर लिख लेना है वाजे, ठीक है। तो इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 28 फरवरी, तो 28 फरवरी से पहले पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं बता देता हूँ आपको, वेबसाइट पे जाकर बता देता हूँ, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पे चले जाएंगे जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, सिंपली आपने उसको ओपन कर लेना। उसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपने इसमें अप्लाई किस तरह करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आपने साइन अप पर क्लिक करना है, ठीक है। साइन अप पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगी। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना नेम एंटर करना है, उसके बाद लास्ट नेम एंटर करना है, नीचे जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है आपने ये तमाम चीज़ें एंटर करने के बाद अपना जो है अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। इस तरह आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ से साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है अकाउंट बन जाएगा। तो ये मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे अपना CNIC नंबर एंटर करना है, उसके बाद जो है पासवर्ड नीचे देना है, और जहाँ से साइन इन कर लेना है। तो साइन इन करेंगे, इसके बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस हवाले से किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।